ओम अज्ञान कुमिराम दस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे गौरचंद्राय राधिकायैस्तदाले कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वृन्दाय तुलसीदेव्यै प्रियाय केशवस्य च कृष्णभक्तिव्रजदेवी सत्यवतये नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद बलहरि कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 बलहरि कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे राम राम राम। सर्वप्रथम हरि गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ट विष्णु पाद अष्टोदर सतश्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज जी के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ट विष्णु पाद अष्टोदर सतश्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरण सरज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। श्रील भक्ति वेदांत स्वामी महाराज गौर गोविंद महाराज भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज अन्य वैष्णव वैष्णवी सभी को मैं यथाजुग प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। आज हम लोगों का बहुत बहुत बढ़िया दिन है। आज हम सब के सब आज का जो एकादशी है ये पांडवा निर्जला एकादशी कहते साल भर में जितने एकादशी है कहते वो आज का एकादशी का अगर कोई सही सही रूप में पालन करे कहते ये साल भर जो एकादशी का फल आज एकादशी करने से उसका फल आज उसको प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि पहले पहले जो एकादशी व्रत रखते थे वो संपूर्ण निर्जला रखते थे, कोई कुछ खाते नहीं थे। इसलिए एकादशी रखने का नियम है एकादशी से एक दिन पहले एक बार भोजन करें और एकादशी का दिन पूरा निर्जला रहे और दूसरे दिन टाइम से व्रत को खोले, अपना टाइम से व्रत खोले। अगर ऐसे एकादशी पहले रखा करते थे। लेकिन जो भीमसेन था उसका नाम है बृकोदर, वो खाए पिए बगैर रह ही नहीं सकता है। पंच पांडव चार भाई जो खाते थे और भैया कुंती जो खाती थी वो जब रसोई बनता था वो आधा आधा होता था, आधा में तो पांच व्यक्ति खाते थे और आधा अकेला भीम अकेला खाते था हाँ? और वो एकदम भूखा सहन ही नहीं कर सकता था। इसलिए श्रवण कर देखना उन्होंने कृष्ण को बोले बोले प्रभु मेरे से एकादशी रहा नहीं जाएगा, मैं एकादशी नहीं रह सकता हूँ, इसलिए मेरे को कुछ ऐसे वरदान दो जैसे मेरे को एकादशी का फल मिल जाए। तो भगवान बोले ठीक है, तुम आज का जो एकादशी है अगर ये आज का ये एकादशी व्रत को तुम पालन कर लोगे साल भर एकादशी व्रत करने का फल तुमको प्राप्त हो जाएगा। इसलिए आज का जो एकादशी का नाम है ये पांडवा निर्जला एकादशी है, जिसको पांडव लोग भी जो एकादशी व्रत को रखा करते थे। इसलिए हमारी वैष्णव जगत में कोई दूसरे दूसरे कोई व्रत नहीं रखते हैं, केवल एकादशी व्रत को रखते हैं। इसलिए जो एकादशी व्रत है कहते माधव तिथि भक्ति जननी जतन पालन करी कृष्णा बसती बसती बोली परम आदर करी। कहते जो एकादशी व्रत है ये किसका व्रत है, कहते ये भगवान कृष्ण का व्रत है, माधव व्रत है। जैसे हमारे भारत में सोमवार कोई व्रत रखते हैं श्री भोले बाबा के लिए,
मंगलवार रखते हैं श्री हनुमान जी के लिए, बुधवार रखते हैं श्री गणेश जी के लिए, बृहस्पतिवार माता लक्ष्मी के लिए हैं, अलग 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 सब व्रत रखते हैं सब हमारे भारत में। लेकिन जो ये एकादशी व्रत का जो अधिष्ठात्री देवता है यदि भगवान श्री कृष्ण चंद्र है, और जगत में तो 33 करोड़ देवता, कितने को मनाओ, एक को मनाओ दूसरे मुंह खुला कर बैठ जाए। लेकिन एक कृष्ण ऐसे एक देवता है जो एक एकादशी व्रत अगर कोई कर ले, अगर भगवान कृष्ण प्रसन्न हो गए तो यदि ये सारे देवादेवी अपने आप प्रसन्न हो जाते, सबके सब अपने आप खुश हो जाते हैं। इसलिए बोले तस्मिन तुष्टे जगत तुष्ट, भगवान खुश होने पर, हम सवेरे सुन रहे थे ना भगवान अर्जुन को विराट रूप दिखाया, अरे अर्जुन देख मैं कौन हूँ, जिसको तुम शंकर जी कहते हो शंकर मेरे में, जिसको हनुमान जी कहते हो हनुमान मेरे में, जिसको तुम गणेश कहते हो गणेश मेरे में, जो सारे विश्व ब्रह्मांड मेरे अंदर में विद्यमान, 33 करोड़ देवता यहाँ तक भी मत्स्य कुर्म बराह ये सब के सब भगवान के अंदर विद्यमान। अब ये एकादशी व्रत भगवान कृष्ण का व्रत है, अगर ये व्रत को अगर किसी ने रख लिया तो समझो सारे व्रत रखना उसका हो जाता है। और जो विशेष करके जो कलयुग में जो एकादशी व्रत की विशेष बात है, हैं? जैसे सत्य युग में ध्यान करते थे, अब सुने होंगे हिरण्यकश्यप ने 60,000 साल तक बिना खाए पिए एक अंगूर पर खड़े होकर के हमने तपस्या की। भगवान देख कलयुग का लोग तो तपस्या कर ही नहीं सकते, उन्होंने 60,000 साल तक किया था। कलयुग में एक व्रत अगर कोई करता है ना, एक दिन का अगर कोई व्रत रख ले है कोई उपवास, उसको बोले ये काम करो, बोला आज हमने व्रत रखा है। मतलब एक दिन भी कलयुग में जो भूखे है ना एक दिन रह नहीं सकता है, क्योंकि कलयुग में जो प्राण है ना वो अन्न में ही स्थित है। जब तक पेट में अन्न दुबे तब तक काम शरीर चलेगा है, भूखे ना भजन हो गोपाल, इसलिए अन्न में ही प्राण है। लेकिन जो सत्य युग में था वो अर्न में नहीं था, मज्जा में, हड्डी को अंदर में जो मज्जा उसको अंदर में प्राण रहता था। इसलिए वाल्मीकि का नाम सुने होंगे, भजन करते 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 सारा दीमक शरीर चाट गया, लेकिन तब भी उसके अंदर से श्री राम श्री राम श्री राम तब भी अंदर से भगवान के नाम निकल रहा था है। इसलिए फिर तृतीया युग में जो युगा धर्म था, अभी यज्ञ के लिए भी बहुत पैसा चाहिए, पहले तो शुद्ध ब्राह्मण मिलना कठिन, फिर संस्कृत तो उच्चारण पढ़ते नहीं कलयुग में, अगर इधर उधर उच्चारण करेंगे तो उल्टा पड़ते, फिर घी लिखा होगा प्योर घी है लेकिन सारे मिलावट, इधर तो आपको थोड़ी मिलता है प्योर घी मिलता है ऑस्ट्रेलिया, लेकिन भारत में तो प्योर घी मिलना बड़ा कठिन है, लेकिन जो प्योर घी है ना वो तो 2000 से कम नहीं, लेकिन आपको 500 सब मिलावट है, फिर हवन सामग्री सारे चीज में मिलावट मिलावट, कोई चीज हमको सही नहीं मिलेगा। फिर एक यज्ञ करने के लिए कितने पैसा चाहिए, कहाँ से खरीदे कितना पैसा चाहिए, रोज रोज यज्ञ दे भगवान के लिए इसके भी काम नहीं करेगा। फिर द्वापर युग में था अर्थ है, अभी अर्चन के लिए 50 रुपया दूध दही चीनी है सब ला पचा मिर्चा ला, चंदन अगुर कर्पूर फूल फल धान लाएंगे रोज रोज इतना घर है। अब देखना पहले पहले लोग ना घर का एक व्यक्ति पहले काम करता है ना, पूरा परिवार खाते थे तभी कुछ रखते थे, लेकिन कभी में पति भी काम करती है, पत्नी भी काम करती है, बच्चे भी काम कर, तभी अभाव पूरी तभी अभाव पूरी नहीं होता है, पहले एक व्यक्ति काम करता था, अब देखो एक व्यक्ति घर का काम करता था, पूरा परिवार काम करता, अभी पूरा परिवार काम करते हुए अभी क्योंकि चाहिदा इतना होता है, इसलिए भगवान ने देखा कि कलयुग में कुछ भी करना संभव है, इसलिए भगवान बोले कलयुग में एक ही काम करो, ये एकादशी व्रत रखो बिना पैसा के, और विशेष करके कलयुग में हरि का नाम करो, हरि की नाम जप कर और एकादशी व्रत रखो, और कोई व्रत रखने का जरूरत नहीं है, एकादशी व्रत रखो, इसलिए कलयुग में
एकादशी व्रत कलयुग में यही साधन है, यही कलयुग में साधन है कलयुग। तब भी पहले पहले लोग एकादशी का दिन इतना निर्जरा रहे, लेकिन जब प्रभुपाद आए देखा ये लोग निर्जरा रहे हैं, क्योंकि अगर निर्जरा व्रत नहीं कर रखते ना गुरु चक्कर निर्जरा कोई काम धाम करेगा बोले निर्जरा, इसलिए बोले देखो भैया कुछ ना कुछ थोड़ा हो जाएगी प्रसाद ना ले लो फलाहार कर लो फलाहार करो। लेकिन जो एकादशी का जो तात्पर्य है, एकादशी मतलब होता है 11, क्या होता है 11, एकादशी मतलब 11, अगर हमारी 11 इंद्रिया है, 5 कर्म इंद्रिया और 5 ज्ञान इंद्रिया है, और एक है इसका राजा मन, इसको लेकर के 11 होता है। तब एकादशी का मतलब होता है इसका नाम उपवास, मतलब ना उपवास रहता है। तब उपवास का मतलब क्या है, कहते उप समीप जो वास जीवात्मा परमात्मा नो उपवास सब तेजस शरीर। लेकिन हमारे भारत में क्या समझते उपवास मतलब कुछ नहीं खाना, आज हमने उपवास रखा मतलब बिल्कुल भोजन नहीं करें, कितने ही उपवास मतलब ये नहीं है। उप मतलब होता है पास में और वास मतलब होता है वास करना, किसको पास में वास करना, बोले भगवान के पास में वास, आपकी को पास में बात करो। बोले कैसे, बोले जीवात्मा परमात्मा हो, जो जीवात्मा परमात्मा को पास में बात करना, बोले कैसे, जैसे श्री अंबरीश महाराज भागवत में कथा आती है, अंबरीश महाराज जी कथा आती है, तो सप्तद्वीप पृथ्वी का राज्य तो कर रहे, पृथ्वी को कर रहे, केवल भारत गोबर में संपूर्ण पृथ्वी के ऊपर वो राज्य तो कर रहे थे, लेकिन राज्य तो करते हुए करते थे क्या, एकादश इंद्रियों से कोई नौकर ने ठाकुर को सेवा नहीं करा, इस नौकर की खुद सेवा करते थे, खुद सेवा करते थे। हमारे गुरुद्वार में लोग हमारे भाई लोग बैठे गुरुद्वार में सबके सब अपने हाथों से मंदिर को साफ करना, बर्तन को साफ करना, इनके मंदिर के जो जूते पहन के आते हैं वो जूते को भी अपना चदर से, जूते से जूते के बीच अपना चदर से अपना टोपन साफ करते हैं, क्या करते हैं ना। हाँ इसलिए जो सेवा है ना, जो सेवा है वो पैसा से नहीं भाव से, भाव से सेवा होनी चाहिए, भाव से सेवा होनी चाहिए। इसलिए ऐसे उन्होंने पूरा एकादशी इंद्रियों को देकर के बोले सबरी मन कृष्णा पदार हो, मन को कहाँ लगाया करते थे, बोले ठाकुर जी बोले बच्चा श्री वैकुंठ गुणा वर्णन, बोले वाणी को कहाँ लगाया करते थे, भगवान की कृपा, बोले करो हरि मंदिर मार्जना, हाथ को कहाँ लगाया करते थे, भगवान के मंदिर में साफ करते, जैसे गुरुद्वार के अंदर सब तो अपना हाथों से सबसे बात करते, सब अपना भाव से बात करते। इसलिए बोले पादो हरि क्षेत्र प्रदान तैयार को भगवान के मंदिर करेंगे, हैं बोले श्रुति चकार अच्युत सत कथा है, कान को भगवान की कथा सुन, आंखों को मतलब भगवान की मूर्ति दर्शन करें, पूरा के पूरा एकादश इंद्रियों को ठाकुर की सेवा में लगा कर देते। इसलिए दूसरे पुराण में कथा आती है, पहले राजा को बहुत शादी करते, पहले कृष्ण तो स्वयं सो राजा के साथ भगवान भगवान कृष्ण, क्योंकि पहले भी जितना शादी करते थे उसका नाम उतना उतना उसका हरि उतना पत्नियों को पालना करता है। आप लोगों ने शादी किए हो, मतलब शादी किए अब सब सब शादी किए हो, लेकिन एक पत्नी को संभालना कितना कठिन, जो शादी किए हो सब पता होगा, पता होगा एक पत्नी को संभालना कितना कठिन। इसलिए पहले क्या होता था, जितने शादी करता था नाम होता था हरि, वो राजा था उतना पत्नी को संभाल देता था उतना नाम होता था। अंबर से महाराज अभी एक नई शादी करके घर में बोल रहा है, लेकिन घर में तो बोल रहा ही नहीं शादी करके, लेकिन राजा उसको साथ में नहीं लेने जाते थे। अभी ये सोच रही है राजा हमें शादी करके लिया है, दिन में एक बार आकर के पूछे हमारे पास में साड़ी साबुन क्रीम हमारे पास में कुछ है ही नहीं, दिन में एक बार तो आकर के पूछे, लेकिन दिन में एक बार क्या पूछते नहीं, एक दिन रानी देखने के लिए आई, राजा करते ही क्या, तो देखने के लिए आए तो राजा तो सबरे से उठ जाते हैं, उठ करके नहा धो करके तिलक लगाते हैं, अपना मंत्र जप करते हैं और अपना हाथों से मंदिर साफ करते हैं,
अपने हाथों से फूल चयन करके लाते हैं, अपने हाथों से फूल के लिए माला बनाते हैं, सारे सेवा अपने हाथों से, सारे सेवा अपने हाथों से करते हैं। रानी समझ रही हो, इसीलिए राजा को पास में समय नहीं होता, दिन में एक बार ही आने देंगे। ठीक है, कल है ना, मैं राजा के हाथ में, हाथ में थोड़ी सी मैं अपना हाथ भी बचवा दूंगी, है मतलब जो सेवा करके था मैं सेवा कर दूंगी, फिर राजा के पास में समय होगा कम से कम राजा मिल जाएंगे। रानी पहले देख लिया तो सबरे सबर थी, राजा उसने वो कहते हैं कि मंदिर को साफ सुथरा कर दिया, फूल चयन करके ले आए, चंदन भीज करके रखी, सारे सेवा को एकदम अच्छे तरह से बढ़िया से सेवा को रेडी करके रखी। राजा सदर उठे, नहा धोकर के किले ले आ गए, जब सेवा करने के लिए आए ना, वो सारे सेवा रेडी, कुछ करने का जरूरत सब प्रस्तुत है, अगर हाथ तो होते खुश हो जाए तो बढ़िया हो गया, आज अच्छा हो गया, किसी ने हमारी काम कर दिया। लेकिन राजा नाराज हो गए, नाराज हो गए राजा, बल्कि मेरी सेवा को किसने छीन लिया, मेरी सेवा को किसने छीन लिया, क्योंकि जो सेवा में जो आनंद है ना, सेवा में का आनंद है ना ठाकुर, जो सेवा में का आनंद है। अब किसी दुनिया में देखो, जैसे पत्नी बढ़िया रसोई बनाई, पति अगर खूब अमृत चाट जाकर खाए, जो क्या तुमने बनाया, जैसे सब्जी सब्जी नहीं अमृत जैसे बनाया, चापाती नहीं जैसे चंद्रमा के टुकड़ा है। अगर पति अगर थोड़ी सी अगर पत्नी को पसंद, आप देखना जो खाने वाले को जितना आनंद है ना, जो खिलाने वालों को ज्यादा खुश होता है। आज रसोई बनाना सार्थक है, क्योंकि आज उन्होंने अच्छे तरह से भोजन किया, तो रोते ही नहीं है, खुश हो जाते हैं। इसलिए देखो साधारण जगत में सेवा करने का इतना ये है, लेकिन अगर भगवान के लिए कोई करता है बताओ कितने आनंद है। अगर भगवान अगर खुश हो गए तो दुनिया खुश हो जाता है, ठाकुर भी प्रसन्न हो जाए। इसलिए लेकिन राजा नाराज हो गए, बोले तेरे सेवा को किसने छीन लिया। रानी ने बोले मैं क्यों, बोले राजा आप शादी करके मेरे घर आए हो, दिन में एक बार भी मेरे से नहीं मिला, मैंने देखा क्या धारण है, आपने देखा सदर से लेकर के दिन अपने हाथों से ठाकुर को सारे श्रृंगार सेवा मुझे अपने हाथों से करते, मैंने सोचा अगर हाथ को बंटवा दूंगी तो थोड़ी समय होगा मेरे से मिलोगे। राजा बोली बड़ी सेवा करने का कोई जरूरत नहीं, अगर तुम सेवा करना चाहती हो तुम्हारा लिए मैं ठाकुर स्थापन कर देता हूँ, तो अपना ठाकुर को सेवा कर। ठीक है राजा, मेरे लिए भी ठाकुर दिया, तो उन्होंने केशव देव नाम का ठाकुर दिया, भगवान का नाम केशव देव। जब स्थापन कर दी, देखो माता अंदर घूम जानता क्या घूम, आप किसी दुकान में जाओ देखना सारे श्रृंगार का वस्तु इसके लिए, माता भाइयों के लिए है एक सूट सलवार है एक पैंट एक कुर्ता होगा, लेकिन इतने सारे श्रृंगार की किसी दुकान में किसके के लिए, माताओं के लिए है सारे श्रृंगार, तो अपना शरीर को सजाती है, सजाती है, इसलिए उन्होंने अपना शरीर को सजाती है, पता कैसे सजानी चाहिए। राजा भी अपना ठाकुर को श्रृंगार करते हैं, लेकिन जब ये रानी ठाकुर को श्रृंगार करती है, इतने सुंदर ठाकुर को सजा दिए, क्योंकि वो अपना शरीर को सजाती है, उसको पता है ना कैसे डिजाइन चाहिए ठाकुर जी को, इतने सुंदर फूल की बदला, इतने सुंदर फूल की श्रृंगार, हल्का पीला कान में सुंदर, क्या सुंदर उनकी सजाती। एक दिन राजा देखने के लिए आई ये रानी कैसे ठाकुर को सजा देती, आकर के देखा इतने सुंदर ठाकुर को सजाया, मैं इतने दिन से मैं सेवा करता हूँ, मैंने इतने सुंदर ठाकुर को सजा नहीं पाया, ये रानी इतना सुंदर सजा रही। अभी राजा और दूसरी रानी के घर में नहीं जाते, छोटी रानी के घर में, क्यों, वो जो ठाकुर को श्रृंगार करती सजाती है देखने के लिए आते हैं रानी की पति। अभी और भी रानी आती, राजा तो दूसरी रानी को घर में नहीं जाते थे, लेकिन जो छोटे रानी के घर में बारंबार आते हैं ना, उसको देख करके जो दूसरे रानी का आदरण करते हैं, जलस हो गया, क्या करते रहे राजा, तो प्रकृति से रानी के घर में नहीं जाते थे, ये छोटी रानी के घर इतना चक्कर क्यों लगा रही, क्यों सीआई देखो तो क्या क्या बात किया है, कितना बार छोटी रानी के घर में राजा क्यों जा रही, और उनने चक्कर पता लगा के देखा राजा रानी से मिलने आते हैं, राजा
इसको देखने के लिए आती है, ठाकुर का श्रृंगार को देखने के लिए आती है। इसलिए हमारे श्री विश्वनाथ प्रभु ठाकुर को अच्छी बात कहती है, बहुत अच्छी बात कहती है। जैसे अपना शरीर को सजा बड़ी आदि सुंदर है, हम शीशा को सामने खड़े हो आप देखें ना, ये शरीर को जैसे सजाओगे ना परछाई जैसी सजाएगी, परछाई को सजाना पड़ता है, समझ गए कि नहीं। अपना शरीर को सजाओ, शीशा को सामने खड़े हो जाए आप देखना, ये शरीर को जैसे सजाओगी जो परछाई है ना वो ठीक जैसे सज जाएगी। परछाई को सजाने का जरूरत नहीं, अपना शरीर को सजाओ परछाई अपने आप सज जाती है। वो उदाहरण देकर समझाते हैं बूंद कौन है, सब कुछ हमें किसी ने दिया है, ठाकुर ने हमें सब दिया, सब कुछ ठाकुर का दिया हुआ। इसलिए उपनिषद कहता है इसका बात करिए बनकर जब किंचा जगत या जगत, दुनिया में जो कुछ देख रहे हैं, दुनिया को बनाया किसी, इसका दुनिया है ठाकुर का दुनिया, सब कुछ ठाकुर ने दिया। यदि जो जितने सुंदर ठाकुर को सजाएगा, जो जितने सुंदर ठाकुर को सेवा करेगा, उनको सजाओगे ना हम अपने आप सजते हैं, अपने आप सज ठाकुर को सजाओ, ठाकुर खुद क्यों गए है, ठाकुर की अगर खुश हो गए ना तुम अपने आप, तुम्हारे ठाकुर प्रसन्न है। कहते जहाँ पर कृपा हरी की हुई तहाँ पर कृपा खलेश, ठाकुर खुश हो गए तुम अपने आप खुश हो गए। लेकिन अगर तुम्हारे घर में ठाकुर को पूजा सेवा नहीं, तुम दिन भर अपना शरीर भी सजाते रहते, शरीर को जो दो बार दिन में कपड़ा बदलाएंगे, इतना श्रृंगार के लिए, लेकिन ठाकुर के लिए कुछ भी नहीं, ठाकुर के लिए कुछ भी नहीं, नहीं होगा, ऐसे नहीं होना चाहिए। दिया उसने, उसी का ही वस्तु है, उसी का ही दिया, दिया हुआ उसकी वस्तु, अगर उसकी सेवा में नहीं लगेगा ना, इसलिए पैसा भी कहते हैं लक्ष्मी कहते हैं, पैसा क्या कहते हैं लक्ष्मी कहते हैं, पैसा का नाम लक्ष्मी, लक्ष्मी है किसकी, नारायण, लक्ष्मी नारायण की, लक्ष्मी तुम्हारी वही नहीं, लक्ष्मी तो नारायण की, लक्ष्मी का खुश होगी घर में जब ये लक्ष्मी नारायण की सेवा, भगवान की सेवा तभी घर में लक्ष्मी खुशी होती है। अगर लक्ष्मी खुश होगी ना घर में खुशियां भी रहेंगे, अगर तुम्हारे घर में लक्ष्मी दे देंगे, पैसा लाते हैं लेकिन अपना भोग में लगाते हैं, ठाकुर का सेवा नहीं, फिर तो लक्ष्मी घर में नाराज रहती है, दुखी रहती है कि तुम मेरे को भोग कर रहे हो, मैं तुम्हारी है नहीं, मैं तो ठाकुर जी की, मैं तो ठाकुर जी की सेवा के लिए आई, और तू अपना भोग लगाते गुरु जी कहते थे तो घर में शांति सुख नहीं, घर में शांति सुख नहीं, भले ही अरब खरब रुपये आ जाए, जितने भी पड़े मामला मकदमा फिर उल्टा पुलटा काम कसरस हो जाएगी, लेकिन घर में वो शांति सुख नहीं मिलेगी। क्यों लगनी तुम्हारी है ही नहीं, लगनी तो ठाकुर जी की लगती, उसकी सेवा में अगर लगनी लगती है तो घर में शांति सुख सब कुछ मंगल मंगल मैं, ठीक है ना। इसलिए उनको पता चला रानी, और क्या पता चला, राजा रानी से मिलने जाते हैं, किससे मिलने जाते हैं, अरे बोलो ठाकुर जी को श्रृंगार देखने जाते हैं। जब ये बात पता चला ना, फिर जितने रानिया सब इकट्ठी होगी, सब इकट्ठी होकर राजा को पास में सब लोग आ गए, बोले महाराज हमारे घर में भी ठाकुर स्थापन कर, हमारे घर में भी ठाकुर, हम भी ठाकुर का सेवा करेंगे। राजा को भक्त है, राजा भक्त है, जो भक्त राजा वो क्या चाहता है, क्या चाहता है, हम सब हमारी परिवार के सब के सब ठाकुर को सेवा करेंगे, सब कुछ उसी जाएंगे, उसकी सेवा में लगे जाते तभी पैसा की तभी सार्थकता है, नहीं तो पैसा की कोई सार्थकता नहीं है। इसलिए राजा खुश होंगे इनकी भावना को देख करके, खुश होकर राजा ने क्या किया, ये ठीक है तुम सब, तो तब तुम सब लोग कहा जा रहे हो, भूख लगे और तो बैठ जाता था लाख में जा रहा, 5 दिन तक जा रहा, इसलिए जब हम आते हैं तो मैं भूख लगा, अरे मैंने बोला ना कुत्ती पहन ले गया हूँ, कपड़े पहन लाए हो तो कोई काम भी नहीं निकाल रहा है, इसलिए यहाँ पर इतने में राजा खुश हो गए, मेरे अच्छी बात, अगर हमारी हम कंपिटिशन हो किस चीज में कंपिटिशन हो, कितना ठाकुर को सुनवा, ठाकुर को सेवा को कितना मजा, इसलिए कंपटीशन है वो। अभी सतमु से रानियों को लगना कंपटीशन क्या है, कौन कितने सुंदर से ठाकुर की सेवा कर सकते, ठाकुर को कौन कितने सुंदर से सजा सकते, ये कंपटीशन लग रहा था, कोई तो प्रसन्न नहीं।
ऐसी रानी ने कहा, जो सबके सब रानी हमारी ठाकुर जी की सेवा में लगते, भगवान की सेवा में लग गए, देखो जब आप भगवान की सेवा करते हैं ना, ठाकुर जी खुश होते हैं, ठाकुर जी खुश हो, हम भी खुश हो गए, राजा प्रसन्न हो गए, खुश हो गए। इसलिए कि अम्बरीश महाराज ऐसे राजा थे जो कि सब प्रतीक पृथ्वी का पर राज्यों से करते थे, लेकिन ठाकुर की सेवा अपने हाथों से करते थे, ठाकुर का सेवा हाथों से करते थे। इसको देख करके अपना खाने पीने के लिए राज्य को संभालने के लिए कोई चेष्टा नहीं करते थे, क्योंकि रात को उनका भजन करते थे। इसलिए कृष्ण गीता में क्या कहते हैं, भगवान गीता में कहते हैं, अर्जुन जो हर समय मेरे चिंतन मेरी भक्ति में मेरी भजन में जो अनंत रूप में जो डूबा हुआ है और किसी के नहीं, मेरी नाम मेरी कीर्तन मेरी भक्ति में डूबा हुआ रहता है, उसके लिए मैं दो काम करता हूँ। कितना काम करता हूँ, क्या क्या कहते हैं, बोले घर में जो चीज नहीं हो, भगवान खुद कहते हैं घर में जो चीज नहीं हो मैं स्वयं सर पर रखकर घर में, घर में जो चीज हो मैं स्वयं एक भगवान बनकर उसको सुना। इतने बड़े प्रतिज्ञा भगवान गीता में कराते हैं, तो मेरी सेवा करते हैं। इसलिए अब श्रीवास पंडित का नाम सुनेंगे जो नारद जी का बता रहे, वो चार ही भाई थे, चार ही बहुमी चार परिवार बड़े परिवार, लेकिन कोई काम धाम नहीं कर सकते, घर में बैठ गए सबके साथ बैठ गए, मदिरा ले लेते हैं, बिरगम ले लेते हैं, दिन भर हरी कीर्तन करते थे, दिन भर हरी कीर्तन करते, दिन भर हरी नाम करते थे, दिन भर है हरी का नाम हरी कीर्तन करते थे। एक दिन महाप्रभु आए, बोले श्रीवास तुम्हारी इतना बड़ा परिवार है, चार चार भाई चार चार बहुमी है, लेकिन तुम कुछ भी नहीं करते हो, दिन भर इस निर्दम कथा देने के हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम महाप्रभु तो दुनिया को समझाना चाहते, बोले मैंने तुम पूछा संसार कैसे चलेगा, तुम तीन बार ताली क्यों बजा, बोले प्रभु आप स्वयं गीता में प्रतिज्ञा किए हो जो हर समय मेरी पूजा भक्ति पाठ दूसरे बार क्यों लगा ताली बजाए, तीसरा ताली क्यों, बोले तीसरे दिन में देखता मेरे घर में आता है, आपने प्रतिज्ञा किया ना दिन जाओगे, अगर नहीं मिलेगा तो मैं सोचूंगा ठाकुर झूठ मूठ का बात बोलती, फिर तो गला में रस्सी बांध करके पत्थर बांध के गला में खुश हो गया, इतना सुन करके महापुरुष ने खुश हो गए, तीन बार हाथ पकड़ा गुरु बेटा ने करके बरदार देता हूँ, भले ही लक्ष्मी लक्ष्मी कौन है, अब इतना लक्ष्मी को अंदर में ऐसे बैठ गए है ना, लक्ष्मी ऐसे बैठ गए क्यों, दुनिया को देने वाली लक्ष्मी है, हम लोग देश छोड़ते विदेश की मान लक्ष्मी लक्ष्मी के जाएगा अपना भारत छोड़ के क्या करेगा, तो लक्ष्मी के लिए लक्ष्मी को लिखे, इसलिए लक्ष्मी देखना हर आशीर्वाद देकर देगी, दुनिया को लक्ष्मी दिलाएगा, उसकी कृपा से ही दुनिया बचा हुआ है लक्ष्मी, फिर अगर ये लक्ष्मी कभी ये लक्ष्मी स्वयं भीख मांग सकती है दरवाजा दरवाजा कर, अगर उसको मांगना पड़ जाए तो, लेकिन मैं तेरे को आशीर्वाद देता हूँ तेरे घर में कभी भी किसी चीज की कभी अभाव नहीं पड़ता, तुम्हारे घर में कभी दरिद्रता नहीं आएगी, मैं तुम्हें आशीर्वाद, इतना बड़ा वरदान ठाकुर जी प्रदान करते हैं कि भगवान की भक्ति करने से
ठाकुर जी का भक्ति करने से ठाकुर जी खुशी थी, क्योंकि लक्ष्मी तो देने वाले ठाकुर, लक्ष्मी कहाँ जाएगी बताओ, जो ठाकुर का सेवा करेगा उसके पास मिल जाएगी ना। अब इनकी गुरुद्वार जाने जाकर देखो रोज हलवा बैठती है, कितने लोग आदान कर जाते ना गुरुद्वार में, ले जाते ना सबके साथ, वहाँ रोज हलवा बैठती है, और उनका जो तिथि आती है ना, अरे रोड में आ गई सबको क्या क्या खिला, ये लो खिलाओ, भटा भटा चलती रहती है, क्योंकि ठाकुर का सेवा होती है ना। हाँ गुरु नानक जी वहां पर ग्रंथ साहिब बैठा हुआ है, जो आप देखना गीता भागवत में जो बताया, अब इनकी ग्रंथ साहब पढ़े गए थे तो वही बात, हरि राम कृष्ण यही तीन नाम वो कहते हैं, वहां पर लिखा हुआ गोपियां जैसे भक्ति की, ये भक्ति सर्वश्रेष्ठ भक्ति नाम है, जगत में भक्ति सर्वश्रेष्ठ गोपी जैसी भक्ति, भागवत में तो यही गोपी होती नाम है, वही गोपियों का नाम है। इसलिए यहाँ पर इतने बड़े प्रतिज्ञा, इसलिए अम्बरीश महाराज कुछ भी नहीं देखते थे, दिन भर प्रभु का भजन में लगे हुए थे, इसको देख करके ठाकुर जी इतने खुश हो गए, ठाकुर जी ने सुदर्शन चक्र कहा दे, सुदर्शन चक्र कहा दे, जब सुदर्शन चक्र इनकी राज्य को तुम देखभाल करना, कोई विपत्ति आए तो तुमको बता दे, और सुदर्शन चक्र स्वयं ठाकुर जी इनकी राज्यों को पूरा रखवाल करते थे, सुदर्शन चक्र ये रखवाल करता था, है सुदर्शन चक्र रखवाल करते थे इसको ऐसे। और तो दुर्वासा जी है, अब जानते हैं कथा को, दुर्वासा कैसे द्वादश दिन पूरा एकादश निर्जला व्रत किया, दूसरे दिन जिस समय व्रत करने के लिए जाएगा नियम है एकादशी व्रत करेगी तो दूसरे दिन व्रत खोलने के लिए जाओ ना, उसका एक टाइम होता है, उसी समय को अंदर में व्रत खोलने जाए, नियम है ये व्रत खोलने से पहले तो जो साधु संतों की सेवा देखे, कुछ उसको मिला करके उसको सेवा दे करके व्रत को व्रत की पूरा फल मिलता, लेकिन जिस समय वो जा रहे थे ठीक उसने कौन आ गए दुर्वासा के पास, अंबर से महाराज खुद को होने बहुत भाग्य आज घर में संतन होता है, घर में संत आए हम संतों को खिला देकर आज भोजन कर लो, तो जाओ बाबा आप भोजन करो, बोले मैं आता हूँ योगिना में स्नान करके आता हूँ, रुको जब स्नान करने के लिए गए तो एक समय है ठीक समय है, तो समय धीरे 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 निकलता जा रहा था, और उन्होंने एकादशी व्रत की, अभी उन्होंने ब्राह्मण से पूछा क्या करनी चाहिए, अभी तक तो दुर्वासा आई क्या करनी चाहिए, देखो तुमने जो व्रत रखा है ना निर्जला व्रत है, निर्जला व्रत रखा है, इसलिए तुम थोड़ी चरणाम कर लेके थोड़ी चरणाम कर लेगा ना, उसको भोजन नहीं मांगा है, भोजन नहीं मांग करती, तो ये चरणाम व्रत ले लो, निर्जला व्रत रखा था बस व्रत खोल कर, व्रत खोल जाएगा जो उन्हें चरणाम दिया, लेकिन दुर्वासा कौन है, शंकर जी का अवतार है, ये शंकर जी की अवतार दुर्वासा, उसको पता चला तो क्रोधित होकर के आए, मैं तुमने मेरे को घर में निमंत्रण दिया, निमंत्रण दे गई बगल संतों को भजन कैसे कर दिया, हाँ भजन कैसे कर दिया अभिमानी, मेरे को बिना दिए तुमने भोजन का उपहार करो, उन्होंने जटा उखार कर पटक दिया, पटक दिया वहां से एक राक्षस प्रकट हुआ, फिर जाओ अंदर इसको जाओ मार डालो, मेरे को निमंत्रण दे गए तो बिना खिलाए था, लेकिन अंदर इस लोग कौन रह क्या कर रहे थे, भगवान की सुदर्शन चक्र क्या कर रहा था, अरे इतने में सुदर्शन चक्र प्रकट हो गया, प्रकट होकर एक राक्षस को मारा तो राक्षस को, लेकिन दुर्वास आदि को पीछा कर, इन्होंने ब्रह्मा जी को पास में गए, ब्रह्मा जी ने क्या किया, शंकर जी को पास मिल गई, शंकर जी ने रक्षा किया, बोले भैया तेरे को हम रक्षा नहीं कर सकते, क्यों संत चरण में अपराध किया, एक काम कर सकते हो जिनका छत्र उनको पास मिला वैकुंठ को जाना पड़ा, भगवान ने बोले देख बेटा तो संत है मेरे हृदय है, पर मेरे हृदय में सत्य बैठे संत के हृदय में नहीं है, मेरी कृपा करना चाहते है ना, मेरे हृदय हृदय पास में है ही नहीं, वो तो संतों का हृदय पास में है, जिन लोगों ने संतोष छोड़ करके मेरे को प्रेम किया भक्ति किया बताओ है बताओ, उनको क्या मैं छोड़ सकता हूँ, दुनिया को छोड़ सकता हूँ लेकिन भक्तों को कभी छोड़ नहीं सकता हूँ, इसलिए जाओ आप उसको पास में अम्बरीश को पास में, और एक साल की इंतजार कर दे, लेकिन अम्बरीश महाराज दुखी होकर भोजन नहीं किया, क्यों बोले मेरे घर में कोई अतिथि आए और अतिथि को बिना खिलाए मैंने भोजन कर दिया, भोजन कर लिया,
पिछले 1 साल तो मैंने भजन नहीं किया, लेकिन जब उन्हें आए आए तो श्री दुर्गाशा कहते हैं आज मैंने भक्तों की महिमा कहा। अम्बरीश जी को चरण में है, कभी दुर्गाशा जी को माफी मांगनी चाहिए, लेकिन अम्बरीश जी माफी मांग रहे थे, पर आप मेरे घर में अतिथि बन करके आए, लेकिन मेरी वजह से आप इतना कष्ट उठाना पड़ा, बड़ा माफ कर दो। इतने संतों का हृदय इतने उदार है, इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं संत हृदय न पनीत समान, संत का जो हृदय है ना मक्खन से भी, कहते मक्खन तो सूर्य का गर्मी से पिघलता है, लेकिन संतों का हृदय उससे भी कोमल है, दूसरों को दुख को देख करके इनका हृदय पिघल जाते हैं संतों का हृदय। इसलिए कभी जगत में अगर संत नहीं होते तो दुनिया गर्म होकर के खत्म हो जाता है दुनिया है, फिर उन्होंने माफी मांगे यहाँ पर शिक्षा देते हैं एकादशी व्रत की कितने महिमा में भगवान जो एकादशी व्रत रहे ना भगवान का सुदर्शन चक्र स्वयं रहता है, स्वयं ठाकुर का चक्र उस पर रहता है जो एकादशी व्रत को जो पालन करते हैं। कलयुग में एकादशी की विशेष विशेष कलयुग में यही साधन है, क्या साधन है एकादशी साधन ही है, नियम है एकादशी आदि ज्यादा से ज्यादा क्या करो एकादशी के लिए भगवान की सेवा करो, और नियम है एकादशी आदि अन्न भोजन करनी नहीं चाहिए और दूसरों को भोजन भी नहीं नियम है। इसलिए एकादशी का अर्ण में गौ हत्या नर हत्या ब्रह्म हत्या भ्रूण हत्या किसी का प्रिय हत्या जो पांच जो पाप है एकादशी का भी अर्ण में, इसलिए आज का दिन देना भी जितना पाप और ग्रहण करना भी उतना पाप है। इसलिए एक संत है जिनका नाम का नाम है ये नाम देव संत जी मेरी कथा सुन, ये बड़े भक्त थे, एकादशी व्रत निर्जला करते थे, पहले निर्जला करते थे है निर्जला व्रत रखते थे और भगवान की भक्ति करते थे, लेकिन ठाकुर जी स्वयं उनको परीक्षा करने के लिए ठाकुर जी भगवान से एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण कर डंडा फेंकते 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 आए, हाँ कहते किसो घर में नहीं पूछे भैया यहाँ पर नाम देव का घर कहाँ है, तो यहाँ पर नाम देव का घर वहाँ जाओ गए, बोले देख नाम देव मैं 3 दिन से भूखा हूँ, 3 दिन से अन्न नहीं खाया, इसलिए आज मेरे को भोजन देने को लगता मेरी सहेली मिल जाए, इतने भी नाम देव का देखो आज के हिसाब से करते हैं, इसलिए आज का हम पार्न नहीं दे सकते, इसलिए अगर लेना फल फूल लो फल फूल खा देंगे अपना व्रत रख लो, नहीं आज खाऊंगा तो रोटी सब्जी और चावल खाएंगे और कोई चीज में नहीं खाऊंगा रोटी नहीं तो अन्न दो, अरे आज तो एकादशी व्रत है, एकादशी का व्रत देता हम तो अन्न चावल देते ही नहीं है देते ही नहीं, इसीलिए अब तो हम दे नहीं सकते, मतलब नहीं लोगे ना फिर घर को सामने काम करते सारे पाप निकलेंगे, सारे पाप तुमको लगेगा तो उसमें बहुत कम है फल फूल ले लो लेकिन भोजन करो कोई बात नहीं, बोले नहीं हमें चाहिए था हमें ही चाहिए था नहीं तो खाऊंगा नहीं, वो तो भगवान खुश है ना एकदम वृद्ध ब्राह्मण को खाने के लिए आ गए और इतने में बोले भोजन नहीं करो 3 दिन से नहीं खाए मर जाऊंगा, बोले मरना तो मर जा लेकिन हम तुम्हें अन्न नहीं दे सकते, और वो तो भगवान थे ना इतने में भगवान नाटक किया राम करके खा दे दीजिए और बोले तो भगवान खुश थे, और जितने गांव के लोग आकर के नाम देव को गाली देने लगे तो कैसे संत हो, तेरे घर में एक ब्राह्मण देवता आकर भूखे पड़ गया तुमने अन्न नहीं किया तेरे को सबके सब पाप तुमको भुगतना पड़ेगा सारे पाप तेरे लेना पड़ेगा, उसको आकर गाली गलत करने लगे, बोले बोले यार मेरी वजह से एक प्राणी का हत्या हो गया, प्राणी की हत्या हो गया इसलिए ठीक है जब मेरे वजह से हत्या हो गई लोग गाली देते हैं, लेकिन इनको साथ में भी पिता में अपना शरीर को बहुत प्यार देते हैं और कहाँ पर बोले अपना घर में जहाँ पर मरे वहीं पर पिता सजाए, पिता सजा करके बोले इनको गोद में ले गए अपना बैठ गए, बैठ गए उनका परिवार लोगों को जो हमारे पिता ही चले जाएंगे हम क्या करेंगे, हम भी पिताजी को साथ में अपना शरीर को त्याग सब मरने के लिए तैयारी, जब सब मरने के लिए तैयारी हुए और नाम पर स्वयं पिता में बैठ गए और वृद्ध ब्राह्मण के लिए आग लगा, जो आग लगाए ना तो ब्राह्मण बड़े तो ठाकुर स्वयं थे
स्वयं भगवान थे, वो परीक्षा करने के लिए आए थे कि एकादशी व्रत में कितनी निष्ठा है, जो आग लगाए ना है इतने में स्वयं ठाकुर जी ने आकाश में प्रकट हो गए, ठाकुर जी स्वयं वहां पर प्रकट हो गए और नाम से उनको गोद में लेकर बैठे थे ना, इधर से आग लगा दिया सीता का, आग लगा दिया फिर उसको पकड़ कर वहां से उन्हें निकाले। इसलिए यहाँ पर लिखा है एकादशी दिन अर्घ देने नहीं चाहिए और एक अर्घ उसे भोजन में नहीं देनी चाहिए, अर्घ में सर्व पाप रहता है, तो सारे पाप से मुक्ति मिलती है, लेकिन एकादशी का दिन अर्घ करने से इससे कोई मुक्ति नहीं मिलती। इसलिए नियम है एकादशी दिन अर्घ मत लो, एक दूसरे को बर दिया है। इसलिए एकादशी आज एकादशी व्रत आज एकादशी सबसे बड़ी एकादशी है, सबसे बड़ी एकादशी आज का एकादशी फल रहे ना कृष्ण स्वयं साल भर का जो एकादशी का फल है उसको आज एकादशी करने से एकादशी का फल सबसे सब वो आज मिलेगा, एकादशी बड़ी महिमा है। बस एकादशी व्रत की जो बस एकादशी व्रत की देखो आज हम लोग सब करेंगे, कितने टाइम हो गए, कितने टाइम हो, टाइम कितना हो गया? सेवन थर्टी हाँ दो कितने बजे बता रहे हैं? 8 बजे ठीक है, और 20 मिनट बता हरे कृष्ण। हाँ हम लोग श्रवण कर लेते श्री श्री चैतन्य महाप्रभु, श्री चैतन्य महाप्रभु श्री रूप गोस्वामी जो शिक्षा देते हैं बड़े लोग, जो बड़े भाग्य से भी जीव को जीवन में दर्शन मिलता है, लेकिन जीवन में जब साधु दर्शन हो जाए क्या समझनी चाहिए, हमारे जीवन का सारे दुख का समाप्त हो गया है और ये संसार में हमें भटकना नहीं, हमें भगवत प्राप्ति का समय आ गया है। जब भगवत प्राप्ति की समय आता है तभी जीवन में साधु का दर्शन तभी मिलता है, नहीं तो साधु दर्शन जीव को प्राप्त नहीं होता है, बड़े भाग्य से साधु दर्शन मिलता है। इसलिए गुरुदेव क्या करते हैं, हमारे हृदय की क्षति में कृष्ण मंत्र बीज को बोल रहे हैं, मतलब जो गुरुदेव को हरिनाम कहते हैं तो कृष्ण मंत्र गोपाल मंत्र जो मंत्र है बीज है, मंत्र बीज है हृदय की खेती में तो बीज बोल दिया, फिर क्या करने चाहिए हमको उसमें पानी देना, पानी देंगे तो क्या होगा पहले अवतूर से जो पत्ते से टहनिया सांप हो गया भगवान की चरण तक पहुंचेगा, फिर भगवान मतलब यह चीज है कि भगवत चरण को प्राप्त करना है, भगवत चरण को प्राप्त करते हुए फिर तो कृष्ण का प्रेम रूपी जो रस है भक्ति रूपी जो रस को वो आस्वादन करता है, भक्त का आस्वादन करता है। लेकिन महाप्रभु के कुछ अच्छी बात है, लेकिन बीच में किसी संतों का कर्म में अपराध नहीं होता, इसमें विशेष करके ध्यान सबसे जो ज्यादा ध्यान है ना किसी संत कर्म में हमारे को अपराध नहीं होनी चाहिए, इसको प्रति सब ध्यान देना चाहिए, अगर किसी संत जन में अपराध हो जाती है तो एक नद वाला हाथी जैसे वो पूरा जड़ समेत उसको उठा देता है, इसलिए किसी साधु संत की निंदा चर्चा चुकी कभी भी नहीं करनी चाहिए। इसलिए इस विषय पर हम लोग ने सदर बहुत बहुत कथा सुने, भागवत से पुराण से वेदों से बहुत कथा सुने हैं कि किन्हीं ने कैसे अपराध किया संतों के कर्म में और भक्ति से कैसे दूर हो जाता है, हृदय शुद्ध हो जाता है, हृदय में भजन करने की भावना नहीं रह जाती, कृष्ण भक्ति भक्ति में रुचि नहीं होती है, इसलिए उसको सावधान रहनी चाहिए। सावधान रहने पर फिर उसके बाद में क्या होता है, फिर महाप्रभु कहते हैं जो लता हमने किए जो कार्यक्रम में बाहर लेना हो नहीं तो बकरी और गैया खा जाएगी, वो क्या है कभी असत संग से दूर रहो, भक्ति करने के लिए क्या करो असत संग से दूर रहो, क्योंकि हम जैसे संगत में बैठे ना आप देखना स्वभाव तुम्हारी वैसी नहीं, अगर अच्छे संगत में बैठेंगे सत्संग में बैठेंगे अंदर में भक्ति की भावना आएगी, अगर उल्टा पुल्टा व्यक्ति को साथ में बैठेंगे फिर भाव भी उल्टा पुल्टा हो जाएगा,
नहीं जनरली कितने भाग्य से क्या हुआ, एक टुकड़ा तो किसी डाकुओं का हाथ में पड़ गया, लेकिन एक टुकड़ा जो संतों का हाथ में चला गया, चला गया। एक दिन राजा जंगल में घूमने गए थे, प्यास लगा, वो पानी ढूंढते ढूंढते कई घर में पहुंचे। जब घर में पहुंचे देखा उसके घर का सामने पीछे आने के टुकड़ा नहीं मिल गया। जब वो राजा वहां पर पहुंच रहा, वो एका चिल्का लग दिया, अरे मारो मारो, पीटो पीटो, पकड़ो पकड़ो, छीना छीना। राजा बोले ये छोटा किसने किसी बात बोलता, छीनो पकड़ो, क्यों वहां पर रहते ना चोर, वो काम करते यही काम करते ना, चोर पकड़ते हैं, छीनते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, और उसका संग करते करते छोटा का भी भावना भी ऐसे हो गई। राजा पानी क्या पी लो तो भाभी वहां से भागते हुए समझ गए यहाँ बड़ी है। और थोड़ी दूर गए देखा वहां पर भी एक छोटा गिरा नहीं, लेकिन जब वहां पर पहुंचते ही छोटा ने स्वागतम, राम राम, कृष्ण कृष्ण, राधे राधे, स्वागत है, आई बैठी ठंडा पानी पीजिए, बड़ी मीठी मीठी मोदी बोल रहा है। राजा बोली छोटा होकर के इतने बढ़िया मोदी बोलता है, खाओ बैठो मीठा पानी पियो, राधे राधे, राम राम, कृष्ण कृष्ण, है सच में। जब घर में आए ना घर के जो संत थे, तो घर से संत निकले, तो तोता का जितने मीठा बोली था ना, वो संतों का उससे भी ज्यादा मीठा बोली था, उससे भी ज्यादा मीठा बोली था। वो संत को बैठाए, बड़ी सुंदर उनको पानी पिला, मीठा पानी, और उनको बड़ी प्यारी प्यारी मीठी बोली थी, कथा सुनाया। इतने में राजा ने वो तोते को पूछ रहे हैं, बोले भैया ये बताओ तुम्हारी कितना भारत कैसे स्वभाव, यदि इसमें हमारी कोई इसमें दोष है कि संग, ये हमारी संग दोष है, हम जैसे संग पे रहे को देखे हुए। इसलिए महाप्रभु कहते जो भक्ति करना थोड़ी सी असल संग से बुरे संग से दूर है, जो उल्टा उल्टा संग है उसे भक्ति दूर रहा करो। इसका मतलब है चारित्र से बाहर रहो, चारित्र में इसलिए सवेरे हम सुन रहे थे महाप्रभु कहते हैं आपसे प्रश्न करेगा उत्तर देना, हरे कृष्ण उत्तर देना भी आपसे प्रश्न करेगा। महाप्रभु कहते हैं अगर भक्ति करना तो कहा जा रहे भक्ति करना तो बोले छह चीजों से दूर रहनी चाहिए, छह चीज को अपनाओ, छह चीज से दूर रहो और छह चीज को अपनाओ। आप लोग बताओ तो छह चीज क्या है, क्योंकि भक्ति करने के लिए छह चीज से दूर रहनी चाहिए। कौन बोलेगा? हाँ बोलो क्या क्या छह चीज से कम दूर रहना? अत्याहार, प्रयास, और क्या क्या चीज है? अत्याहार जो हम जरूरत से ज्यादा इकट्ठा करते हैं, जरूरत से ज्यादा खाते हैं, तो अत्याहार करते हैं। इसलिए इसमें से पहला चीज उनको भगवान कह रहे हैं, कहते उतना वस्तु को संग्रह करो जितना वस्तु जरूरी रहता है, अगर जरूरत से अगर ज्यादा संग्रह करोगे समय उसमें जाएगा, नष्ट होगा समय, समय नष्ट होगा अपना बजट भी नष्ट होगा। इसलिए कहते हैं भक्ति करना तो जितना जरूरत तुम्हें खाने पीने के लिए रहने के लिए उतना ही जीवन में संग्रह करो, नहीं तो उसमें क्या होगा। गुरु जी कहते हैं ना जैसे हम बहुत ज्यादा पैसा कमाए, पैसा को रख कर गए, गुरुजन कहते थे जब तुमने शरीर छोड़ दिया तो पैसा को छोड़ कर गया, तो पैसा कमाने के लिए कितना समय लगा, समय तुम्हें बेकार गए, समझ गए कि नहीं। अपने बहुत कमाया, बहुत कमा कर रख कर गए, लेकिन जितने जब शरीर छोड़ा उसको छोड़ कर रख कर गए कि नहीं, लेकिन वो चीज तो तुम्हारे कोई काम में नहीं गया, उसी के लिए तुमने जो समय लगाया वो समय तुम्हारे बर्बाद गया कि नहीं, गया कि नहीं बर्बाद। इसलिए तो भी कहना है बच्चे के लिए रखे भी जानी चाहिए, हम अपना बच्चे के लिए रखे, दूध के लिए बच्चे के लिए बच्चे अगर हो रहा होगा तो कमाएगा, अगर नालायक बनेगा तो क्या करेगा, जितने तू बच्चा करेंगे जुआ मांस बढ़िया खाकर सब बर्बाद कहते थे, ऐसे धन को कमाओ जो धन का इसी जीवन में तुम ही मालिक बनोगे और अगले जीवन में।
इंग्लिश का मालिक बन गए। इसलिए मीरा कहती है पार्वती ने राम रतन इसी आपकी मालिक और अभिनंदन ने आप भी इसका मालिक बन गए हैं, आप भी इसका मालिक। इसलिए कहते अत्याहार गोकुल स्वामी कहते ज्यादा संग्रह को जरूरत नहीं। हाँ अगर संग्रह करो, अगर आप देखते हो वो चीज अगर ठाकुर को सेवा में लगे, भगवत सेवा में लगेगी कहते तो संग्रह की सार्थकता है, नहीं तो वो संग्रह की विकास हो जाए। कथा सुनाएगा क्या कथा सुनाएगा याद है इसको याद है कहते क्योंकि स्वर्ग में पहुंचा, तो स्वर्ग में पहुंचा एक व्यक्ति बहुत पूजा करने करके स्वर्ग में गया, सोने की घर में सिंहा था, अब सब या चावल बैठना कर रहे थे लेकिन स्वर्ग में बैठने के लिए रो रहा था, वो बेहद सो रहा था। उसने पूछा भैया तू स्वर्ग में आ गए इतनी दासिया सेवा किया, रो रहे हैं कि मेरे से गलती हो गई, अरे क्या गलती हो गई, बोले बहुत पैसा कमाया दान किया इसलिए स्वर्ग में आया, बोले गलती क्या हो गई, बोले पैसा जो स्वर्ग में आ गया था वो पैसा तो घर से बर्बाद कर शराब पी करके मान से खा करके दुआ करके सुधर पैसा को मैंने ही कमा करके आया था, पैसा मेरा ही है और वो पैसा को बुरे काम में लगा रहे हैं, चेष्टा करो किसी की चेष्टा करो प्रभु की भक्ति अर्जन करो, भक्ति को अर्जन करने की चेष्टा करो। अत्याहार प्रजल्प प्रजल्प मतलब भगवान की कथाओं को छोड़ करके इधर उधर की चर्चा न करें, चर्चा करो ठाकुर की चर्चा करो। नियमाग्रह बहुत ज्यादा नियम पत्र बना दे, ये करना वो करना वो करना, पर जो क्या होता है जो मूल जो नियम भक्ति का नियम होता है समझ आती है, दूसरे नियम में हमें डूब जाती है। जरा संघर्ष असत संघ से दुनिया लव लच लोभ मत करो, लोभ हो भक्ति के लिए लोग ठाकुर जी की प्रेम के लिए लोग भक्ति की विनाश करते हैं। उसके बाद में कहते बाहर लगा दिया, इसको बाहर है मतलब भक्ति करने के लिए गलती गलती चीजों से हमें दूर रहनी चाहिए, लेकिन उसमें कहते हैं सवेरे सुन रहे थे ना जैसे हम लोग पेड़ लगाए होंगे, पेड़ को लगाते आस पास में इधर उधर से पौधा आ जाती है, देखा इधर उधर से पौधा आ जाती है, वो पौधा क्या करती है एकदम मेन जो पौधा को रस नहीं करती है वो सारे रस दूसरे दूसरे पेड़ को फेंक देती है। इसलिए जो सही किसान होता है खेती करने वाले उसको पता कि सही वृक्ष में कौन सा वो गलत वृक्ष में कौन सा उसको पता है, वो क्या करता है जितने गलत वृक्षों को उठा उठा के फेंक देता है, फेंकने पर जो मूल जो वृक्ष को कहते सारे रस ये मूल वृक्ष को मिलता है, वो क्या चीज है ज्ञान कर्म योग भोग ये सब भक्ति करने के लिए ये सब चीज से दूर रहेंगे, दूर रहनी चाहिए। फिर क्या होगा जो भक्ति लगा है ना वो धीरे 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 फिर ऊपर बढ़ेगा है। तब गुरु जी हमारे बाहर प्रभु बड़े एक सुंदर कथा सुनाया करते थे, अब गुरु मैं सुनाऊ कल मेरे को सुना ध्यान दे रहे हैं ये अच्छी एक कहानी है हमारे जीवन की कहानी ध्यान दे रहे हैं। पहले एक समय कोई एक बड़ा एक दुखी व्यक्ति दर दर भट रहा था, भीख मांग रहा था, शरीर में कपड़ा नहीं, शरीर बड़े रूप शरीर भटक रहा है दर दर इधर उधर, लेकिन एक सर्वज्ञ था। सर्वज्ञ मतलब क्या है जैसे आपको देख रहे ना सारी बात को बता दे, आपका केवल मुंह को देख रहे मुंह को देख रहे बता देगा आपके घर में कितने माल है और कहाँ पर लिखा हुआ है, तुम्हारी पति कैसे है, पत्नी कैसे है, तुम्हारे परिवार कैसे है, केवल तुमको देख करके सारी बात को बता देगा, सारी बात को बता देगा, केवल तुमको देख करके बता देगा। एक सर्वज्ञ ने वो व्यक्ति को देखा, सर्वज्ञ ने वो व्यक्ति को देख करके वो पहचान गए ये बच्चा कोई साधारण बच्चा बच्चा नहीं, ये पर अरब खरब घर बच्चा है, लेकिन किसी कारण से ये भीख मांग रहा है। इतने वो जो सर्वज्ञ था जो बेटा गया भले ये तुम दरवाजा दरवाजे भीख क्यों मांग रहे, भले पिता जी आए थे समय हम तो बड़ी हार वार में रहते थे आनंद में रहते थे, पिता चले गए इसलिए अभी तक हमारी भीड़ बड़ी सी थी इसलिए भीख मांग रहा हूँ,
तो उसने कहा देख बेटा तेरी जो पिता की ना मैं दिक्कत है, इसलिए उन्होंने एक अच्छी बात बता के दी, क्या बोल दी गई, बोले तेरे जो पिता है ना एक सोने की कलसी में हीरे जड़ा रहा, तो उन्होंने हमारे घर में दार करी है, मेरी ये बात तुमको पता नहीं है, ये बात तुम्हें पता नहीं, देख बेटा तुम्हारे घर में चार गुना है, पूर्व पश्चिम उत्तर और दक्षिण, ये चार दिशाएं हैं, इसलिए बेटा तुम जो माल है ना ये पूर्व दिशा में ये माल रखा हुआ है, लेकिन एक सावधान तुम दक्षिण दिशा का मिट्टी को मत खोदना, अगर उधर का अगर तुम मिट्टी खोदोगे ना वो रहते कटेगा, कटे रहते हो बड़े बड़े कीड़े होते ना कटेगा, वो काट 8-10 काट देना बात खत्म हो जाएगा, वो जो दक्षिण दिशा का जो मिट्टी को खोदना नहीं, अगर वो खोदोगे ना वो कटिया नहीं निकलेगा, तो फिर तुम कार्बन खा जाएंगे, देखो उत्तर दिशा का मिट्टी भी नहीं होता, उधर एक बहुत बड़ा अजगर सांप है, अगर वो सर पर निकलेगा तो फिर तो तुम मिल जाएगा, तुम जान ले लेंगे हैं, फिर तुम पश्चिम दिशा का मिट्टी मत होना, जो पश्चिम दिशा में उधर एक जक्ष रहता है भूत रहता है, अगर उधर का मिट्टी हो तो वो तो निकलेगा, वो भी तुमको खा जाएगा, लेकिन वो जो माल है ना ये पूर्व दिशा तरफ से रखा है, ज्यादा खोदने का जरूरत है, थोड़ी सी मिट्टी हटाओगे, थोड़ी सी मिट्टी हटाओ ना फिर वो धन की झाड़ी निकलेगा, झाड़ी निकलेगा सोने की तरह से निकलेगा, और एक एक रत्न इतने कीमती है, एक एक बेचोगे ना अरब खरब रुपया निकलेगा, देखा मेरे पिताजी हमारी धोती इतनी संपत्ति रख रहे हैं, लेकिन हम बोल गए नहीं गए, हम ये दुखों का टूटा रहे हैं, भीख मंगा कर घूम रहा हूँ, सचमुच से अपना घर में आए और पूर्व दिशा का थोड़ी सी जब मिट्टी हटाया ना तो सोने की कलसी निकला, सोने की कलसी निकला, और एक एक रत्न को उसने जो बेचा है ना खरब खरब रुपया है, बाला माल बाला माल हो गई, देखो ये जो कथा है ये श्री चैतन्य महाप्रभु श्री सनातन गोस्वामी को ही कथा सुना, कहते भैया वो जो रास्ता में घूम रहा था जो दरिद्र दुखी को संसार में दरिद्र मत हो, संसार में दरिद्र हम पड़े गए इस संसार में और संसार में दुख कष्ट को हम भोग कर गए हैं, कभी ये जो सर्वज्ञ है ये ज्योतिषी कौन है जो कि उनको सारे रहस्य बात बताए, बोले ये ज्योतिषी कौन है, बोले ज्योतिष है साधु लोग संत लोग ये हमारे सर्वज्ञ जो सब जानते हैं, फिर वो क्या हमें समझा देख बेटा कि जो घर में जो चार दिशा क्या है, जो पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण ये चार दिशा क्या है इसको याद रखना सकते, ठीक है ना, चार दिशा मतलब है यहाँ पर कहते दक्षिण दिशा का मिथि मत छोड़ो, चलिए दक्षिण दिशा क्या है, बोले ये कर्म मार्ग, कर्म मार्ग बोले ये कर्म मार्ग में फंसना नहीं, ये कर्म मार्ग क्या है कि फतेगा, हम जो इंसान जीवन हमें क्यों मिला, पूर्व जन्म में हमने जैसे कर्म किया था वो कर्म के अनुरूप जीवन हमें मिला है ना संसार में, जैसे कर्म किया था वैसे जीवन मिला, लेकिन जीवन तो मिला है संसार में आए तो है संसार में, लेकिन देखना कोई पैर में दुखी होगा, कोई धन के लिए दुखी होगा, कोई शरीर के लिए दुखी होगा, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिना रहा तो उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, कोई पत्नी से दुखी, कोई पति से दुखी, कोई बेटा से दुखी, कोई बहू से दुखी, कोई सास से दुखी, कोई ननद से दुखी, कोई ताप से दुखी, कोई दुखी है कि नहीं, अरे बोलो दुखी है कि नहीं, ये संसार में क्यों जैसे हमने कर्म किए हैं वो कर्म का अनुरूप हमें ये शरीर प्राप्त हुआ है, अब इसी जीवन में जो कर्म करेंगे फिर दूसरे जीवन में जाएंगे, दूसरे जीवन में जो कर्म तीसरे जीवन में जाएंगे, इसलिए कहते हैं अगर कर्म मार्ग में अगर तू फंस गया तो इसे कटिया काटते रहते ना, कैसे ये हमें काटते रहेंगे, दुखी दुखी होकर के संसार में हम भटकते रहेंगे, कर्म मार्ग में फंसना नहीं, कर्म का वजह से संसार में हम भटक रहे हैं, ये 14 वर्ष में
मार्ग में ले जाना, उसको बाद में बोले देखो तुम उत्तर दिशा में ले जाना। बोले उत्तर दिशा में क्या है? बोले उत्तर दिशा में अजगर सांप है, अगर उधर जाओगे ना तो अजगर सांप निकलेगा, है तो तुम अंदर जाए। फिर भैया अजगर सांप एक मुक्ति मार्ग है, क्या है बोलो? मुक्ति मार्ग। मुक्ति मार्ग में नहीं जाना। मुक्ति क्या है? इधर मुक्ति वो है जो व्यक्ति चाहते हैं अपना सत्ता को क्या करेगी, तो जो ब्रह्म ज्योति है वो ब्रह्म ज्योति में अपना सत्ता को उसमें लीन कर दो, इसमें लीन कर दो। इसलिए नारायण का बांसुरी, जब तक इसी संसार में रहेंगे तब तो क्या होगा, दुर्गा से वो कर रहे हैं। अगर हमें मुक्ति हो जाएगी, ब्रह्म में लीन हो जाएगी, भाई क्या होगा, गया फट जीवन जन्म बिल्कुल दुर्घटना में खत्म हो जाएगी। लेकिन वो मुक्ति मार्ग वाले हैं, यदि मुक्ति मार्ग क्या है, मुक्ति मार्ग है जैसे अजगर सांप जिसे निगल जाते हैं ऐसे ही निगल जाएगा। मतलब क्या है, भगवान के रस स्वरूप है, भगवान के आनंद स्वरूप है, भगवान के प्रेम स्वरूप है, तो उसी से तुम तो वंचित हो जाओगे। हाँ ब्रह्म ज्योति तो नहीं हो जाओगे, लेकिन होने पर क्या होगा, जैसे उदाहरण दिया, जैसे एक चीटी भूर खाने के लिए गया, लेकिन भूर था ये जैसे पानी पानी भूर सा होता है, भूर होता है जो पानी पानी सा, अगर एक चीटी ने गया भूर खाने के लिए, लेकिन भूर का पानी पानी, अगर वो चीटी कब उसका आस्वादन करेगा, जब उसे अलग हो। अगर चीटी वहां पर गया लेकिन उसको भूर खाने के लिए जाके तो इसमें ही लगेगा, फिर वो भूर का आस्वादन कर पाएगा, जैसे इसलिए शब्द है हनुमान। नाम सुने हनुमान जी का? नाम सुने सब जानते हैं हनुमान जी जानते सारे। हनुमान जी क्या करते हैं, अगर प्रभु राम को कहीं जाना हो हनुमान जी प्रभु राम को ले जाते हैं। अगर प्रभु राम कहीं बैठे हुए हो हनुमान जी अपना पूछ से बड़े सुंदर सती बनते हैं भगवान है। अगर भगवान जो रात में विश्राम करते हैं हनुमान जी क्या करते हैं, जागरण चंदन सेवा करते हैं, चरण की सेवा करते। अगर कहीं उनको मैसेज भेजना है हनुमान जी क्या करते हैं, जैसे ब्रज की गोपियां हैं कृष्ण के लिए फूलों के श्रृंगार बनाते हैं, सूर्य बनाते हैं, कृष्ण के लिए माला बनाती है ना, बनाती है। लेकिन अगर वो ब्रह्मा में जाकर कोई डूब जाए, अगर उसमें मिल जाए तो उसका सत्ता खत्म हो गया, फिर भगवान जो आनंद स्वरूप है ना रसा स्वरूप उसको मिलेगा नहीं, जाकर मिल करके बस ठेकादार होकर के ब्रह्म जैसे पड़ा रहे। इसलिए कहते हैं मुक्ति मार्ग में नहीं जाने का। इसलिए भगवान कहते हैं दिय मान अभिना गरीब नदी, अगर मैं अपना भक्तों को मुक्ति देना चाहता हूँ तभी मेरे भक्त लोग मुक्ति नहीं, भक्त लोग केवल मेरी भक्ति चाहते, मेरी सेवा चाहते हैं, मेरी सेवा से। इसलिए मुक्ति मार्ग में नहीं जाना। कौन सा मार्ग है जरा, फिर कहते तुम उत्तर कौन सा दिशा, उत्तर दिशा में पश्चिम दिशा में नहीं जाना। बोले क्यों? बोले वहां पर एक जक्षर होता है, एक पिशाच होता है, अगर उधर जाओगे ना तो बाघ डालेगा, वो क्या है, अनिमा लगना प्राप्ति काटा एक तरह का जो उसके है, जो बड़े बड़े जो उसके उस तरह के लिए नहीं जाना। बोले भैया जाना किधर है? बोले पूर्व दिशा का, पूर्व दिशा। बोले ये पूर्व दिशा क्या है? बोले भगवान के प्रेम, भगवान की भक्ति है, भगवान की प्रेम दिशा के तरफ में जाओ। उधर जाओगे ना ज्यादा खोदने का जरूरत नहीं, तुम्हें ज्यादा खोदने का, थोड़ी सी खोदोगे ना बस तो माल निकलेगा, ये जवाहरा निकलेगा, फिर तो माला वाला हो जाए। फिर मतलब क्या है, फिर जो भगवान की जो भक्ति मार्ग है ये भक्ति मार्ग अत्यंत सरल मार्ग, बहुत सरल मार्ग है, भक्ति में आनंद ही आनंद, इसमें प्रेम ही प्रेम। इसलिए हमारा श्री भक्ति के दास स्वामी महाराज कहते थे हम सबके सब चाहते पार्टी में जाए, कहाँ पर जाए, लेकिन पार्टी में जाना चाहते। बोले पार्टी में तीन काम होता है, सिंगिंग डांसिंग और ईटिंग, एक चीज होती है ना, एक चीज होती ही नहीं, किसी पार्टी में जाओ तो नाच गाना और खाना। तब वो कहते थे भैया तो बीच बीच में पार्टी रोज पार्टी करना, पहले वो रोज पार्टी क्यों करते थे, लेकिन बोले गाना है ना, भगवान का कीर्तन करना है, ठाकुर का कीर्तन करो, भगवान का कीर्तन में कितना आनंद है, ठाकुर का कीर्तन में है, खूब नाचो, नाचना है ना भगवान का कीर्तन में नाचे, सब लोग ठाकुर का कीर्तन में नाचते,
है ना भागुन के लिए, भैया भैया प्रसाद बनाओ, भगवान को भोग लगाओ, रोज 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 क्या छोले भटूरे है, शाही पनीर, मटर पनीर, राजमा चावल, कढ़ी चावल है, और भेलपूरी। हाँ इसलिए खाना है ना भगवान के लिए रोज बनाओ ना भैया भैया, ठाकुर जी के लिए रोज रोज बनाओ, ठाकुर को भोग लगाओ, दस बता ठाकुर जी खाओ, आप भी खाओ, आप भी खाओ। इसलिए भक्ति जगत में, भक्ति जगत में कहते भैया आनंद ही आनंद है, इसमें भक्ति जगत में कोई दुख कष्ट नहीं। मतलब मिट्टी थोड़ी हटा मतलब क्या है, मिट्टी हटाना मतलब क्या, थोड़ी सी परिश्रम से भगवान की प्रेम की प्राप्ति हो रही, वहां पर कष्ट ही नहीं, आनंद ही आनंद है। भगवान का प्रसाद कीर्तन में भी आनंद है, नाचने भी आनंद, सबसे ज्यादा तो प्रसाद ही, सबसे ज्यादा भगवान की प्रसाद में आनंद, आनंद ही आनंद, बिल्कुल कष्ट नहीं। सबसे सर्वोपाय होगी भक्ति मार्ग, और यहाँ तक भी भक्ति मार्ग इतने सरल मार्ग है ना, भक्ति मार्ग कितने सरल मार्ग है। एक तो ये गरीब ब्राह्मण है, वो गरीब ब्राह्मण सत्संग में जा रहा है, लेकिन पैसा नहीं, पैसा था इसलिए सोचता था अगर मेरे पास में पैसा होता तो मैं कितने ठाकुर को सेवा करता, लेकिन ठाकुर मेरे को कुछ दिए नहीं, ठाकुर ठाकुर को सेवा कहाँ से। दूसरी रह रहे एक दिन सत्संग में गए थे, एक दिन भगवान कह रहे थे, भगवान कह रहे हैं देखो अगर तुम्हारे पास में कुछ भी नहीं हो, अगर कोई चीज अगर तुम मेरे को मन मन में भी दे दो, स्वीकार कर, कुछ भी नहीं हो तुम मन मन में भी मेरे को कुछ दे दो, इसको स्वीकार कर लो। भगवान कहते हैं भैया कुछ भी नहीं हो तुम्हारे पास में, अगर मन मन में भी कुछ दे दो फिर स्वीकार, खुश होगे। अभी वो क्या कहता है, घर में बैठी रहती बड़ी सुंदर मन मन में मंदिर बना रहा है, हर मन मन में ठाकुर का सिंहासन बनाता है, मन मन में लक्ष्मी नारायण को स्थापन करते हैं, मन मन में पंचामृत दूध दही शक्कर सहज राधे, मन मन में स्नान कराने, रोज गंगा से सोने की कलश में पानी भर कर दिया ठाकुर का स्नान करवा पाए। अगर वो मन मन में ठाकुर का सेवा करते हैं तो उसके करते करते नहीं थे, देखो करते करते उसमें वो इतने आविष्ट हो गया, करते 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 उसका इतना मन लग गया, इतने अभिष्ट हो गया ठाकुर को सेवा में। एक दिन ऐसे मन मन में सेवा करते करते सोचा आज ठाकुर जी को बड़ी सुंदर खीर बन लगाऊंगा, भैया गया का दूध लाए, इसमें काजू किशमिश काटा बता ले, और भैया और उसमें बिस्तरी और उसके अंदर में घी डाल गए थे एकदम गर्म, क्या देख जब लाल लग गया ना और इसमें चावल डाल के बड़ी सुंदर में सोने की पटोरी में ठाकुर जी को भोग लगाए, जो भोग लगाने के लिए अच्छे तरह से गए दिया नहीं, जैसे बहुत गर्मी का समय होना ठाकुर को ठंडी चीज देनी चाहिए, जैसे अभी ठंडा का समय होना ठाकुर जी को गर्मी चीज देनी चाहिए, ठीक है ना, इसलिए वो गर्मी का समय था तो ठाकुर जी ने गर्मी गर्मी कैसे भोग लगाया। अभी मैं जब देखता हूँ वो अभी खीर गर्जना कर रहा है, उसने मन मन में जो श्री से अंगुल काला है ना तो खीर था गर्जी कुछ नहीं, वहां पर कुछ नहीं मन मन में, जो इसने अंगुल डाला, अंगुल डालते ही अंगुल जल के खड़ला पड़ गई, जितना उसको अंगुल भुखड़ा पड़ा हुआ तो जो ध्यान में बैठा हुआ था ठाकुर जी शिवराज, वो ध्यान टूट गई, देखा सामने कुछ नहीं अंगुल भुखड़ा पड़ा हुआ, बैठ बैठ के रो रहा है ठाकुर की आज मेरे खीर भोग नहीं लगा पाए क्योंकि अभी उसमें डाला तो फगला पड़ गया, मतलब खीर हो गया अपवित्र, और वो अपवित्र खीर तो मैं ठाकुर को कैसे भोग लगा, आज ठाकुर को भोग नहीं लगा पाया, बैठ बैठ करके रो रहे थे। इतने में बैठो थे मैं नारायण बैठ बैठ कर हंस रहे थे, और वहां माँ लक्ष्मी ठाकुर जी चरण की सेवा कर रही थी, लक्ष्मी पूछा प्रभु आज क्यों हंस रहे, बोले कोई बात नहीं, बोले जी करो कुछ बात हो रहा ऐसे थोड़ी थोड़ी मन मन में हंसते हैं, बोले देखो लक्ष्मी मेरे ऐसे भी भक्त हुए गरीब ब्राह्मण ही है, वो मानस के रूप में मेरे को सेवा कर रहे, सोच रहा था खीर भोग लगाएगा, खीर तो बनाया लेकिन वो गरीबी ना खट्टा अंकुर डाला कुछ अंकुर भोगना पड़ेगा, इसलिए खाते में भी रहोगे बैठ बैठ रो रहा है। प्रभु ऐसे ऐसे भक्त आप रहते भक्त जगत में, हाँ मेरे में ही दर्शन कराओ, ऐसी बात है
चलो तेरे को भी लेके दर्शन कराए, फिर गरुड़ जो पीठ ऊपर बैठा बैठे देखो ये मानसिक की सलाह करता है, भगवान उसको उठाया और गरुड़ को पीठ पर बैठा लेकिन बैठे तो वैकुंठ देंगे। तुलसी वृंदावन बिहारी लाल की, जोर से बोलो तुलसी भक्त वत्सल भगवान की। इसलिए यहाँ पर बताया देखो भगवान कितने दयालु, भगवान कितने कृपालु ठाकुर जी, अगर हमारे पास में कुछ भी नहीं हो, अगर तुम मन में भी ठाकुर भगवान उसमें खुश हो जाते हैं। इसलिए हम पहले बताए ना ठाकुर का भक्ति कितना सरल है, किसी कार्ती का महीना था, किसी भक्त ने ठाकुर को दरबार में दिया जलाने के लिए, कार्ती की मेहनत दिया जलाती मंदिर में दिया जलाया, अभी वो धीरे 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 जो दिया है ना वो धीरे धीरे बुझने जा रहे थे, बुझने जा रहे थे तो इतने में कि चूल्हा ने घी खाने का लोभ में आ गया, आकर के वो चूल्हा घी पी रहा था, पीते पीते उसका जो दांत है ना बत्ती में लगते ही वो पीछे हटा, पीछे हटते ही क्या होगा तो बत्ती बुझने जा रही थी, बत्ती हो गया तेज, और जो बुझने जा रही थी वो दिया हो गया तेज और उसका मुंह में लग गई थी आग, आग लगते ही उसने दो चार बार चला दिया। तो कई बार ठाकुर देखो ठाकुर कितने दयालु दिखे, भगवान ने देखा कार्तिक का महीना और ये दिया बुझने जा रही थी और दीवार ने क्या किया, दीवार जो बुझने जा रही थी दिया उसने तेज कर दिया, दिया को तेज कर दिया, तेज करके मानो मेरे को उसने आग की कार्तिक महीने में आग दिखाया और दो चार बार चला दिया गया ना, मतलब क्या मानो मेरे को आरती उतार कर लिए मेरे सामने से निकल गया, मेरे सामने निकल गया, इसका फल क्या हुआ है देखो, इतनी सी काम किए चूहा ने, अगले जीवन में वो राजा की बेटी बन गई जन्म हुई, वो चूहा ने राजा की बेटी बन गई जन्म हुई और उसकी हृदय में प्रभु जी की भक्ति लगी रही, फिर भगवान की भक्ति करते करते ठाकुर जी अपना धाम में स्थान ले लिया है। इसलिए भक्ति मार्ग इतने सरल मार्ग होती है, इसलिए बताया गया भक्ति में ज्यादा परिश्रम की जरूरत नहीं, खाओ पियो और नाचो तो भगवान की प्रसाद खाओ, बढ़िया बढ़िया प्रसाद खाओ और गाओ कीर्तन, खूब भगवान का कीर्तन करो और भगवान का कीर्तन में खूब नाचो, खूब भगवान का कीर्तन में नाचो, बस इससे ही तुम्हारे कल्याण हो जाएंगे, ज्यादा कोई परिश्रम की जरूरत नहीं। लेकिन दूसरे दूसरे जीवन में देखो जैसे संत जी ने सुनाएगा बिना खाए पिए हजार हजार साल तपस्या करता रहता हूँ, रोज यज्ञ करो, आग का लपेट जब निकले धुआं निकले पास में बैठा नहीं जाता है, 1 घंटा अगर जो शादी होती है ना है देखना, अगर यज्ञ होना लड़का लड़की क्या करता है, जल्दी जल्दी ब्राह्मण पूजा का पैसा दे दे, जल्दी जल्दी ब्राह्मण जल्दी करता शादी को, हाँ यज्ञ को शादी कब तक बैठेगी है, इसलिए द्वापर जी में फूल लाओ चंदन लाओ कर्पूर लाओ है और ये लाओ, कलयुग में कुछ भी करने का जरूरत नहीं, कोई कलयुग में भगवान सबसे सरल उपाय बता दिया, बिना पैसा बिना परिश्रम क्या करो भगवान नाम करो, क्या करो ठाकुर जी नाम जप करो बिना पैसा, एक बार हाथ उठा करके बोलो हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। कोई पैसा लगी, कोई पैसा लगा, कोई ट्रैक्टर लगा, बल्कि भगवान का भगवान कहते हैं नाम नाम का ही बहुत नाम, अरे अनंत नाम है कृष्ण गोविंद राम नारायण, कितने बड़े नाम है, निज सर्वशक्ति सत्राल पिता ने कलयुग में अपना नाम में सारे शक्ति हमने अपना नाम में दे दिया है, कितना हरि से बड़ा हरि का नाम है। फिर नियमित स्मरण का काल मैंने ये नहीं बताया देखो, मेरी नाम करने के लिए तुमको पवित्र होना पड़ेगा, पवित्र होकर भी मेरे नाम करेंगे किसी अवस्था में भी मेरे नाम को तुम ले सकते हो, उठते बैठते सोते पवित्र अपवित्र हर अवस्था में ले सकते हो हैं, हर अवस्था में। एक समय कोई तेली था तो दिन भर तेल निकलता था
और बेल कोई होता है ना बेल को घुमा घुमा कर तेल निकलता है, एक दिन नहर भी मिले। बोले भैया तू तो दिन भर तेल निकालने में लगे, मेरा मुझे करना पड़ा हुआ। अरे भगवान के लिए तो थोड़ी समय दो, ठाकुर के लिए तो थोड़ी समय दो, समय था बस समय नहीं, दिन भर तेल निकालने में दिन जाता है। फिर दिन भर समय कभी नहीं मिलता, थोड़ा समय तो मिलता है, मिलता तो है मिलता। जब मैंने पायखाना करके जाता है ना, शौच क्रिया करके भी जाता हूँ, जब वो शौच क्रिया में बैठता हूँ उसी समय मेरे पास में खाली है। और कोई समय मेरे पास में खाली, नारद जी बोले कभी भी भगवान का नाम ले सकते हो, और मुझे तेरा बोलता हूँ भगवान कोई बोले कि मेरे नाम ले ले सकता, कभी भी कर सकते हो। इसलिए बस इतने नारद जी जब पायखाना में ले गए ना, उस समय जय श्री राम जय श्री राम, जब जय श्री राम लिया है अरे जत्र जत्र रघुनाथ कीर्तन, जहां जहां प्रभु राम का कथा हो कीर्तन हो, हनुमान जी उतना रूप धारण करते हैं। अब मैंने राम की कथा हो ना, सबसे पहले हनुमान का तस्वीर लेता है, क्योंकि सबसे पहले श्रोता हनुमान जी, सबसे पहले हनुमान जी आते हैं। जब उन्होंने श्री राम का नाम लिया, इतना हनुमान सोचा क्या कोई मेरे प्रभु का कोई भक्त है जो मेरे प्रभु का नाम ले रहे हैं। ए हनुमान जी उड़ते हुए बोल जब पहुंच गया, देखा वो देवी पैठना में देखा बस, और रघुपति राघव राजा राम पति का कारण है। बोले दोस्तों दिन भर तेल निकालने में समय निकालते हो, समय नहीं अभी तुम अशोक का वर्तन ढूंढेंगे, रघुपति राघव राजा राम है। हनुमान को तो बड़ा क्रोध आया, एक लात उसको मारे, किसको मारे, वो तेली को एक लात मारे, लेकिन वो तेली का कुछ भी नहीं हुआ, वो इधर उधर फिर बैठ गया। मैं फिर वो बैठ गया, हनुमान को कुछ भी नहीं हुआ, हनुमान चले गए। रोज जब प्रभु राम विश्राम करते हैं, इतने में हनुमान जी प्रभु की चरण की सेवा के लिए पहुंचे। जब प्रभु की चरण की सेवा के लिए पहुंचे ना, वहां पर देखा प्रभु तो छटपट कर रहे थे, आ ओ बड़ा दर्द कर रहा है। हनुमान जी ने पूछा तो क्या हो गया, कहते हैं बड़ा दर्द है। हाँ क्या हुआ, बोले एक बंदर ने लात मार दी, एक बंदर ने लात मार दी। हनुमान जी बोले बंदर ने लात मारी आपको, प्रभु बंदर कौन, उसका नाम बताओ, पृथ्वी को बंदर सुने बोलूंगा। इतना हिम्मत कैसे हो गया मेरे प्रभु को लात मारी, बंदर सुने बोलूंगा। पर उसका नाम बताओ, उसका नाम नहीं बताओ, मतलब तो बताओ ना क्या नाम, पर उसका नाम है भी हनुमान। बोले प्रभु मैंने आपको लात मारी, मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता हूँ, मैं तो आपकी चरण में इसको नीचे बैठता हूँ, हनुमान जी कहाँ बैठता है, पर उस चरण के नीचे बैठते हैं, हैं चरण के नीचे बैठते हैं। इसलिए हम कहते हैं ना, बोले दुनिया चलेगा श्री राम के बिना, राम जी चले हनुमान के बिना, दुनिया चले थी राम के बिना, राम जी चले हनुमान के बिना, मोती मिलेगा श्री राम के बिना, मोती मिलेगा हनुमान के बिना, मोती मिलेगा बोलो राम के बिना, भक्ति मिले ना हनुमान के बिना, दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना, लंका जल ना हनुमान के बिना, रावण मरे ना श्री राम के बिना, लंका जल ना हनुमान के बिना, हनुमान के बिना। हनुमान जी बोले प्रभु मैं कभी सोच भी नहीं सकता। पहले हनुमान जब वो तेली को तुमने लात मारी, अब बताओ तेली का कुछ हुआ था, बोले हनुमान तुमने रावण को एक मुक्का मारा था, मारा था नहीं। हनुमान हनुमान जी को संकल्प, हनुमान जी संकल्प, बोले तुमने एक बार रावण को एक मुक्का मारा था याद है। हाँ बोले रावण जैसे व्यक्ति तेरे के मुक्के को सहने का थोड़ा दर्द हो गया, और तुमने एक साधारण तेली को तुमने लात मारा था, अब बताओ तेली का कुछ हुआ था। बोले प्रभु को कुछ भी नहीं हुआ, मैंने देखा तो इधर उधर बैठ बैठ गया था। बोले हनुमान जो मेरा नाम ले रहा था ना, कितना हरि से बड़ा हरि का नाम है, भगवान से बढ़कर ही उसका नाम है,
हनुमान जो मेरे काम ले रहा था, मैं स्वयं वहां पर था, जो लात मारी ना मेरे पीठ को, मेरे पीठ के ऊपर भी लगाए हैं भाई, ये बात बोले हनुमान तो कान पकड़ लिए मेरे प्रभु, कभी सच में कभी ऐसी गलती गलती नहीं, मैंने कभी ऐसा गलती नहीं करी, अपराध हो गया। इसलिए यहाँ पर कहते जो भगवान का नाम है ना, भगवान ये नहीं बताया अरे नाम लेने के लिए इसी चीज की जरूरत है, लेकिन महाप्रभु की रुचि होकर की बात कहते हैं, बोले मैंने इतने साल इतनी सुविधा बिना पैसा का बिना परिश्रम का, लेकिन तभी भी ये कलयुग का जी मेरे नाम नहीं करते, तभी भी कलयुग का जी मेरे का नाम नहीं देते, उधार दे सकते, उधार दे सकते, क्या करनी चाहिए कलयुग में भगवान सबसे सर्वोत्तम बताया, भगवान का नाम जप करो, हरि की कीर्तन करो, हरि का नाम करो बिना पैसा बिना परिश्रम का, और इसी से हमारी कल्याण होने ठीक है ना। एक बार हाथ उठा रहे बोलो बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, नाम ही हमारी अच्छी समझ में काम में आएगा। हाँ देखो आज पांडवन निकला था इसे ना, आज जो एक बार नाम करेगा ना तो उसको 100 बार नाम मिलेगा, कितना बार नाम भले मिलेगा हर जोर से बोलो 100 बार। आज जो सबसे बड़ी आज एकादशी सबसे बड़ी एकादशी, एक बार नाम से 100 बार फल, इसलिए अब 5 मिनट को 5 मिनट में एक माला जप करो ठीक है, एक माला जप करेंगे उसके बाद उसको प्रसाद लेकर जाएंगे, सब माला है तो निकाल दो जिसको कृष्ण माला है, एक नहीं माला जिसको कृष्ण माला है ना, माला सबके पास में अपना अपना माला निकाल दो, फिर चैंटिंग वन जाओ ओके। और गाड़ी से ला रहे हैं ठीक है, और किसको पास में नहीं, या यहाँ से ले लो फिर कल वापस इधर आ जाओ, किसको पास में इधर आ जाओ, और किसको पास में है, माता जी है, माता जी लो ले माता जी, और वो प्रभु जी जो बैठे हैं उनको एक और पीछे बैठ बैठे ना प्रभु मारु जी है वाला मारु जी को प्रवीण प्रभु हरे कृष्णा है। देखो इधर सुना, ये माला नहीं ये माल है, ये असली माल है, और अंतिम समय में यही माल ही हमारे सामने आएगा, इसलिए क्या कहती है ना ले लो रे राम का प्यारा आवाज बजाओ मेरी, राम नाम के घेरे में तू जो पिछड़ा हो, जिन दिन ने क्या बुद्धि लुटे उसको माला माल हुई, और माया के जो गले पुजारी आती हो कंगाल हुई, असली ये माला नहीं ये माल है। आप लोग बोलोगे भैया जैसे तैसे हरिनाम के लिए माला में करने का क्या जरूरत है, तो कुछ बोलते हैं ना ये माला में हम क्यों करें, हम जो इच्छा कर ले ये माला में क्यों करें, इसके लिए दो उदाहरण देते हैं, ध्यान देकर सुनाओ आप दूसरों को समझा सकते हो, ये माला में क्यों करते हैं क्या जरूरत है, वैसे करो ना दिन भर लेकिन माला में क्यों करते हैं, जो दो उदाहरण दिया है, पहला उदाहरण दिया जैसे कोई एक बच्चा स्कूल पढ़ने जाता है, लेकिन उसको तो पढ़ने जाता है लेकिन बहाना बना कर जाता है, बीच भर खेल कूद के ना शाम आ जाता है, और पिता माता को बोलते हम तो पढ़ाई करके आए, लेकिन पता कब चलेगा वो पढ़ाई किया कब, जब उसे एग्जाम आएगा, जब पेपर आता है ना
कितने मार्ग लाया है, इससे पता चलेगा ये थर्ड डिवीजन ना सेकंड डिवीजन ना थर्ड ना फेल हुआ, वो मार्ग से पता है, मार्ग से इसे पता चलता है। इसलिए तो उसी तरह हमारी भक्ति बढ़ रही ना, भक्ति बढ़ रही है पता कैसे चलेगा, ये माला से पता चलता है, ये माला से पता चलता है। दूसरा उदाहरण देते ही जैसे जैसे हम लोग जैसे आप लोग काम करते हैं ना, आपके पास में जैसे एक महीना काम किया, नहीं तो एक सप्ताह काम किया, डॉलर मिलता है, यहाँ डॉलर का मिलता है ना पैसा या डॉलर, लेकिन जो डॉलर मिलता है आप उसको गिन कर रखते हैं ना, बिना गिन कर रखते हैं। हेलो बोला ना, जो 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 माल आता है उसको गिन के रखते हो ना, बिना गिन के रखते हो, गिन के रखते हो ना, गिन कर क्यों रखते हो, जिसका गिने क्यों नहीं रखते हो। आज हमें परिश्रम क्या मिला है, हमने काम किया कितने पैसे मिला, तो गिन के रखते हैं, बिना गिन नहीं रखते कोई, ठीक है ना। इसलिए ये संसार की पैसा तो गिन के रखते हैं, जैसे असली जो काम है अंतिम समय जो काम है आएगा, इसको क्या गिन के नहीं रखनी चाहिए, बिना गिन के रखते हैं, गिन के रखनी चाहिए। इसलिए इसलिए आप तो भारत ये है ना, अंतिम समय में जो शरीर छोड़ता है क्या बोलते बोलते मिलेंगे, राम सत्य रे गोपाल नाम सत्य रे सत्य गुण प्रत्यय रे सभी राधे, बोलते ना अगर बात नहीं किसको सुनाते जो लेटा हुआ है, वो क्या बोलते हुए लेटा, जीवन में जितने राम का नाम कृष्ण का नाम लिया कभी तेरे साथ से भूल जाए, इसके सिवाय पूरे जीवन में जो कुछ किए हो एक सुई धागा भी यहाँ से मिल जाए, पत्नी जाएगी तो रो रो कर दर्द मिल जाएगी उसको आगे नहीं जाएगी, परिवार जाएंगे तो शमशान कर उसको आगे होगी नहीं जाएगी, आगे क्या जाएगी, बोले पायो जिन्होंने राम पायो इतने प्रभु का नाम है, इसलिए तो जाएगा फिर उसके लिए नहीं करते, जो नहीं जाएगा उसको फिर फिर बढ़ गए, फिर जाएगा उसके लिए फिर आपको क्यों नहीं करनी चाहिए, करनी चाहिए ना, जो जाएगा इसलिए बल्कि हमें ज्यादा करनी चाहिए जो हमारे साथ में जाने, ठीक है ना। इसलिए हम लोग सबके सब समझो, अभी ठाकुर जी के चरण में बैठे हैं, आज एक माला करने से 100 माला करने का फल मिलता है, हम यहाँ एक दो तीन चार पाँच छह सात आठ हजार दस ग्यारह फिर हम 30-35 भक्त लोग माला पे एक करेंगे, लेकिन 35 माला करने का फल मिलेगा, क्यों, जब हम सबके सब हरि का नाम लेंगे, सभी का जो आवाज है ना सभी के कान में सभी का आवाज बढ़ेगा, बढ़ेगा तो फिर माला तो एक करेंगे 35 माला करने का फल मिलेगा, और उसमें सामने दूर जाओ तो कितना हो जाएगा, बहुत ठीक है। हम सबके सब हरिनाम करना, मुंह कोई मुंह बंद नहीं करना, क्योंकि जो हरिनाम करेंगे ना उसको पाप तो उड़ जाएगी, कि तो बैठेगा कहाँ बंद करेगा नहीं, ठीक है। इसलिए माला जैसे कि हमारा कैसे बदलेगा, ये अंगुल में टच नहीं करना, अगर ठीक है जो नहीं ये अंगुल में इसमें टच नहीं करती, ये बीच वाला बन जाता है, बीच वाला है, बीच वाला बैठ करके जैसे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम एक मोटी सारी, दो बार बोल के दो मोटी सारी देगा, तीन बार तीन मोटी सारी देगा, ठीक है। और जब यहाँ खत्म हो जाएगी उसको पार नहीं करना, इसमें बैठिया बैठ करके 5 मिनट, ठीक है, बोले हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम हरे राम 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 हरे
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, H
हरे कृष्ण हरे राम हरे राम 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 हरे कृष्ण हरे राम 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 जो माला यहाँ से दिए माता जी
आप माला जप करोगी, माला लोगे, लेकर करना है। हरे कृष्ण, तुम माला करोगी, माला जप करोगी तुम? दीदी के पास है दीदी, आप माला करोगी? करना तो लेके कर सकती है, ठीक है, तो भी करो, बच्चों को भी माला कराओ, नहीं तो जाएगा साथ उससे। क्या बोल रही है? बच्चे उनके इंडिया में है, बच्चे इंडिया में, दादी के पास सकते हैं। लेकिन तुम तो यहाँ है ना, हम तो भी करो, करना अगर उसमें शांति सुखी से मिलेगा, और भाई दादी अभी समय काम में यही आएगा, समझ रहे हो, और कोई काम में हमारे आने वाली नहीं, जो काम में आएगा उसको करो, तो साथ में जाने वाली। हरे कृष्ण, खड़े हो जाओगे आरती।